आज पूरे भारत से रिपोर्ट्स आप भी देख रहे हैं, आपके माध्यम से हम भी देख रहे हैं, कैसे किसान आक्रोशित है, सड़क पर है, परेशान है। आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री विदेश गए वहां भी किसानों का विरोध का सामना होने लगा। तो ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई, आज क्या कारण है कि 10 महीने होने आए और आज भी किसानों के मुद्दे, उनकी मांगे वैसी की वैसी है। आज भी किसान सड़क पर है, बरसात, ठंड, गर्मी तीन मौसम झेल चुका है और अभी भी सड़क। कुछ आत्मचिंतन सरकार को करना आवश्यक है। क्यों ठगा हुआ महसूस कर रहा? आपने किसान की जो मार किसान की रेट की हड्डी पर की, पहले तो आप डीजल की कीमत देखिए, डीएपी की कीमत देखिए, डीएपी की जो हमारे वक्त यूपीए के वक्त जो 1075 रुपए में मिलता था बैग, आज 1900 रुपए, 7 साल में लगभग दोगुना। आप में से काफी लोग कृषि पृष्ठभूमि से हैं। एनपीकेएस जो उस वक्त 1175 में मिलता था, 1775, पोटैश, सुपर फर्टिलाइजर, किसी भी किसी को उठाकर देखिए आप, या तो आपने उसकी कीमत दोगुनी। इतने साल सफर नहीं किया, बोल रहे हैं वो छोड़िए। देखिए जब विपक्ष में आप होते हैं तो विपक्ष की राजनीति जब आपको करनी होती है तब सब्र और संघर्ष का समन्वय आप में सब्र कम है या संघर्ष करने का मात्रा कम है तो आप अपना रास्ता तलाशते हैं, कोई भी हो। और जो संघर्ष और सब्र दोनों का सम्मिश्रण जिसकी पर्सनालिटी में होता है, जिसके चरित्र में होता है, वो विपक्ष की राजनीति सक्षम तरीके से कर सकता है। तो कई लोग आ रहे हैं, कई लोग जिनको जाना है वो जा रहे हैं, अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती है, नहीं जुटा पा रहे, समय नहीं निकाल पा रहे, और ये देश का नुकसान हो रहा है। किसान का तो नुकसान है ही, जिस देश की इतनी बड़ी आबादी कृषि पर आधारित हो, उस देश का किसान अगर आक्रोशित है, 10 महीने से आक्रोशित है, तो उस देश की सरकार को तो जेटलैग छोड़िए नींद आनी नहीं चाहिए। और कृषि पर जिस तरह से टैक्स लगाया, आप पर जीएसटी लगाया, कृषि उपकरणों पर 12 से 18% जो आपने जीएसटी लगाया, डीजल पे कम से कम 22 रुपए आपने अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी का भार, वो सब उसका खामियाजा किसको देना पड़ता है? किसान पर वो चोट होगी। जैसे कि इस सब से उसको चोट नहीं लगी हो, आपने फिर ये तीन काले कानून मान लिया बिना किसी से चर्चा की। इतने यूनियन है, किसान यूनियन है, किसी से आपने चर्चा करना उचित नहीं। संसद का अपमान करते हुए आपने जिस तरह से ये काले कानून पास किए, कहीं लोकतंत्र का छलावा भी नहीं दिख रहा था कि कहीं लोकतंत्र है संसद में। तो ये परिस्थिति क्यों आ रही है कि आज आपको और इस देश को जो कि लोकतंत्र की जननी है, उसको लोकतंत्र पे बाहर से भाषण सुनने पड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता पीड़ा। आपने 22 जनवरी को कहा था किसानों को कि एक फोन कॉल, आई एम वन फोन कॉल अवे, कहां है वो फोन कॉल? उसके बाद आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, किसानों को देश का दुश्मन करार कर दिया, किसानों को अपना भी दुश्मन मान लिया, उनसे बात करने को आप तैयार नहीं, उनका जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन करने में कोई आपने कसर नहीं छोड़ी। इसमें क्या गुरूर है, घमंड है, मजबूरी है? आपके उद्योगपति मित्रों के सामने आप नतमस्तक हैं, उनको आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? कारण क्या है कि आप आज किसानों से बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, समय नहीं निकाल पा रहे? इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.